करती रहती हो। ये ना मेरा जलवा है। किस बात पे इतना हंसी आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम। ये किस बात में इतना हंसी आ रही थी? कुछ नहीं मैम, हम आपस में मजाक कर रहे थे। हाँ मैं तुम्हारे बॉर्डर में जाने का समय हो गया ना, जल्दी जाओ। यस मैम। कोई है? कौन है? हाँ छोड़ो, शायद मेरा वहम होगा। हाँ दिन भर धूप में घूमने से वहम ही होता है, जैसे तुम्हें ही देख लो। अच्छा मैं चलती हूँ, नेक्स्ट शिफ्ट में मुलाकात होगी। बाय। उफ, प्यास लग गई। कांशा पानी कहाँ रखी होगी? अरे नाम्या किधर गई? अरे ये तो नाम्या का बंदूक है। अरे मैम नाम्या नहीं मिल रही है, और उसका बंदूक भी यही पड़ा हुआ है। हाँ हमें पता लग गया है, नाम्या को। मैम। हाँ। अब मैं चलती हूँ। ओके जाओ। हेलो, क्या रे यार, कौन बोल रहा है? मैं वही जो तेरे देश में घुसकर का मॉल उड़ाए। तू? अरे अभी और सुन, मैं वही हूँ जो तेरे एक साथी को किडनैप किया हूँ। ये ले बात कर। मैम इनके मांगे पूरा मत कर देना, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। अभी तो मांगी भी नहीं की है, तो अभी से ही तूने चला है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? प्रहलाद इसकी जबान काट दो। जैसा आपका भाईजान। भाई
तेरी मांग ये क्या है? तो सुन, तेरे और तेरे आसपास के देश के सारे हथियार मुझे चाहिए। तुझे पता भी है क्या मांग रहा है? चुप, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर। कल तक सब तैयार होने चाहिए, नहीं तो अभी जवान काटी है, कल होगा कला। तुम रुको, हम कुछ देर में आ रहे हैं। ओके मैम। भाईजान, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि हम उनके बेस्ट के हथियार क्यों मंगवा रहे हैं। हाँ भाईजान, हमारे पास हथियारों की कमी होती ना है। अभी तुम लोग कुछ नहीं समझोगे। असल में हमारे पाकिस्तानी फौजों के साथ एक डील हुआ है, जब इंडियन आर्मी के हथियार हमारे पास आ जाएंगे फिर पाकिस्तानी सेना उन पे हमला कर देंगे और लड़ने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा। छी, इतना खून मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। साफ करो, साफ करो, साफ करो। ठीक है भाईजान। मैम, आरती रिपोर्ट बताओ। मैम, हाई कमांड ने हमें अपने साथी को छुड़ाने का ऑर्डर दे दिया है, बट उनकी एक कंडीशन है। कंडीशन? हाँ मैम, जैसा कि हमें सैटेलाइट के जरिए टेररिस्ट का लोकेशन मिल गया है, तो हाई कमांड ने हमें कहा है कि अगर हम नामियाब को शाम तक नहीं बचा पाए तो वो उनके एरिया में मिसाइल अटैक कर देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं टेररिस्ट बच के निकल पाए। लोकेशन कहाँ का है? मैम, हमारे लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर एक नदी आती है, उस नदी को पार कर जो पहाड़ आता है उसी पहाड़ में टेररिस्ट छुपे हुए हैं। नहीं, हमें यहाँ और कब तक रुकना होगा। हाँ भाईजान, हमें कुछ बताते भी नहीं। हाँ सही बोले। हाँ चलो, थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ चलो। इसका क्या कर रहे? अरे इसे तो हम कल ठिकाने लगा देंगे। ओ अच्छा। हाँ चलो। अरे रुको मेरे लिए। बच के कहाँ जाएगी तू? भाईजान, आर्मी हमारे अड्डे में घुस चुकी है। पर उन्हें हमारे अड्डे का पता कैसे चला? पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा लोगे। फराज, सादिका, जल्दी आओ। माफ कीजिएगा भाईजान, आर्मी उधर से फायरिंग कर रही थी तो हमें दूसरे रास्ते से घूम कर आना पड़ा। तुम लोग फौरन में जाओ, कोई बस के जाना नहीं चाहिए। जी भाई जान। मैम, भले आज हम शहीद हो गए, पर इन आश्रम वासियों को दानी होती है।
कहाँ गए ये लोग? कहाँ गए? आइटन! रात को संभाल नहीं पा रहे हो? ऐसा ये तार तो तानिश के पास आ कर गए। चुप। मतलब भाईजान। मैं सरेंडर होने लिए तैयार हूँ। कहाँ जाएगा बच्चे? मैम इसे मार दीजिए क्योंकि इसने हमारे प्रिया को मारा है। हाँ मैम इसे मार दीजिए, इसे जीने का कोई हक नहीं है।